नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड की एक शानदार स्कीम के बारे में, जहाँ हम SIP के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं टाटा म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के बारे में, और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप 500 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट करके 1.5 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक स्मॉल कैप फंड है जो छोटी साइज की कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है। जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है, यानी नवंबर 2018 से लेकर अब तक, इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर किसी ने इस स्कीम में 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वो आज 2,38,000 हो गए हैं, यानी 3 साल में 2 गुना से ज्यादा का रिटर्न। इसलिए अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन फंड्स में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें इस फंड की होल्डिंग्स की, तो इस फंड की टॉप होल्डिंग्स है BASF इंडिया, ऑलकागो लॉजिस्टिक्स, ग्रीनप्ली इंडस्ट्रीज, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, रेडिंगटन इंडिया, DCB बैंक, अलांटिस बैक इंडिया आदि। यानी इस फंड ने इन कंपनीज के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 24.67% का है। अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 33.46% रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 6.31% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 150 रुपए और लंपसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का NAV अभी 22.77 रुपए चल रहा है। इस स्कीम का फंड साइज 2034 करोड़ रुपए का है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.48% का। ये तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा होता है लंपसम इन्वेस्टमेंट का, तीसरा होता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। आगे इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में एक साथ 50,000 रुपए लंपसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कितने साल में कितना हो जाएगा, या फिर अगर आप इस स्कीम में 500 रुपए महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम 50,000 रुपए की लंपसम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रिटर्न माना है 21% का, जो कि इस स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न से 3.5% कम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 21% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए मानकर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में यह 21% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,86,375 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 3,36,375 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 22,12,963 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 22,62,963 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 58,19,543 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 58,69,543 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,51,74,082 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 1,52,24,082 रुपए होंगे। इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर एक साथ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 30 साल में 1.52 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि
अगर आप इस स्कीम में 500 रुपए महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 21% का, जो कि इस स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न से 3.5% कम है। अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,44,058 रुपए का। 60,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 2,04,058 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 17,20,434 रुपए का। 1,20,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 18,40,434 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 51,15,024 रुपए का। 1,50,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 52,65,024 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.48 करोड़ रुपए का। 1,80,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वो 1.50 करोड़ रुपए की होगी। इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 500 रुपए महीना से SIP शुरू करके 30 साल में 1,80,000 रुपए जमा करके 1.5 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। इस तरह इस फंड ने अभी तक काफी अच्छे रिटर्न्स जेनरेट करके दिए हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि कोई फंड अच्छा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो सभी के लिए सूटेबल है। इसलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल को देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इस टाइम पीरियड को कम या ज्यादा करके इसे अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। SIP कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम कुछ और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, कोटेक स्मॉल कैप फंड आदि। ये सारे स्मॉल कैप फंड्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ये प्लान कैसा लगा और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप कौन से म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, फंड कंपनी की वेबसाइट, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।